या इस तरफ राहुल, अभी सेंटर सर, अभी सेंटर सेंटर यहाँ पर उषा मैम सेंटर, आप सेंटर, उषा मैम सामने 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 सेंटर सेंटर राहुल सर इधर, राहुल सर इधर, राहुल सर सेंटर सेंटर, अरे मेरा देखा ही नहीं राहुल भाई, मेरे को देखा नहीं अरे दिशा में उसका मैम सेंटर, उसका साउंड स्लो है दिशा मैम, एकदम सेंटर 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 पाजी के पास भाई सेंटर, अभी पाजी के बाजू में राहुल भाई, आप दोनों साथ में बड़े अच्छे लगते भाई, क्या भाई सवाल पूछा है आपने, वाह वाह वाह, ये आप माइक में पूछा है, होप सबको सुनाई दिया इन्होंने क्या पूछा, नहीं भाई प्लीज एक माइक इनके लिए खास, नहीं बट मैं चाहता हूँ वो लोग भी सुन, वरना वो आधी बात सुनेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि हम इतना क्यों हंसे या हमने इतना क्यों रिएक्ट किया, प्लीज प्लीज मैं चाहता हूँ। सो दिशा जी, आप मानती हैं कि राहुल एक ऐसे फ्लोर पर पहुंच चुके हैं जहां पर कि शादी के बाद बहुत ही रिस्पॉन्सिव हो गया? क्या बात है जी, हाँ वो ऐसे फ्लोर पर पहुंच गए हैं जहाँ वो बहुत रिस्पॉन्सिव हो गए हैं। माय गॉड आई लव यू दिशा, आई थिंक यू शुड सीरियसली टेल एवरीबॉडी कि हाउ आर द चेंजेस इन मी आफ्टर द वेडिंग, दिशा ने मेरे में क्या क्या अच्छे अच्छे बदलाव लाए हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगी सबको कि आई थिंक सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ये जल्दी सोते हैं थोड़ा। मेरे साथ जल्दी सोते हैं, अदरवाइज ये 5-5 बजे तक जागते थे, अब हम लोग 1-1.5 मैक्स 2 तक सो जाते हैं। हम ऐसा माने कि आप दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे लगने लगे हैं। क्या बात है भाई, आप कहाँ से आए हैं, आपके सवाल आप कहाँ से पिरो के लाए हैं, आप बहुत ही अच्छे सवाल लाए हैं एंड हम एक दूसरे को बड़े अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, आपके सवाल भी बड़े अच्छे हैं और हम एक दूसरे को बड़े अच्छे लगते हैं। शाह जी की कितनी हेल्प पड़ती है, लगती है कि आप आसमान में ना जाएं, जमीन से जुड़े रहें, फ्लोर पर जुड़े रहें। क्या बात, फिर एक बार आपने कमाल का सवाल पूछा है, आज आप कहाँ से मतलब ये सवाल चुन चुन के लाए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बट सबसे पहली बात तो मैं अभी भी सिंगर हूँ, लोग मुझे एक्टर एक्टर कहते हैं, आई वुड लव टू डू समथिंग बट आई एम वेरी हैप्पी बींग अ सिंगर एंड मेरे म्यूजिक एल्बम्स आते हैं जिसमें मैं एक्ट करता हूँ, बट आई हैव नेवर एक्टेड इन अ फिल्म और टीवी शो। बट आपके सवाल का जवाब देते हुए यही कहना चाहूँगा कि जो इंसान एक लोअर मिडिल क्लास से ऊपर आया होता है ना, उसको कभी भी मुझे नहीं लगता है वो आसमान में चला जाता है, उसके पैर हमेशा जुड़े होते हैं, क्योंकि वो जो साइड को छोड़ के आया होता है ना, उस भले ही वो आज दूसरे साइड होता हो, बट जब वो गाड़ी में बैठ के बाहर देख रहा होता हो तो उसको बाहर की रियलिटी पता होती है। जैसे बाहर पे मैं राह चलते लोग देखता हूँ, तो मैंने अब क्योंकि मैंने खुद वो बहुत किया यार, कि सुबह जब हम कहीं रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे तो सुबह सुबह जल्दी निकल जाते थे, हम एक बहुत वन रूम किचन में रहते थे, तो अगर मुझे 7 बजे कहीं पहुंचना होता था तो हम दूर रहते थे, तो वहां से जब हम निकल के जाया करते थे तो मैं सबको नहीं उठाता था कि यार सब उठेंगे, नाश्ता मम्मी बनाएगी मेरे लिए तो सबको उठना पड़ेगा, तो हम भूखे पेट ही चले जाते थे बहुत बार। तो हम सब ने वो लाइफ में अपने अपने दिन देखे हुए हैं, तो जिस इंसान ने ऐसे दिन देखे होते हैं आई डोंट थिंक कभी वो यू नो अपने पैर जो है वो ज़मीन से उसके उठ जाते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे हाउ आई नो टू लिव इन बी इन लाइफ एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू नो आई गॉट अ लाइफ पार्टनर हु इक्वली बिलीव्स इन डूइंग दैट, शी इक्वली बिलीव्स इन वेरी ग्राउंडेड एंड जस्ट बीइंग वेरी वेरी नाइस टू एवरीबॉडी, वेरी हम्बल टू एवरीबॉडी, तो हमें बहुत खुशी है यू नो कि हम ऐसा रह सकते हैं लोगों के साथ। एंड दिशा जी, क्योंकि हर कोई जाने जी, हाँ जी, मैं उसको देख नहीं पाया अभी तक, बट बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर बहुत अलग होने वाला है कुछ बिग बॉस ओटीटी एंड आई वुड लाइक टू विश कलर्स फैमिली ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई थिंक
कुछ अच्छा ही करते हैं वो हमेशा, बट ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 24/7 लाइव जा रहा है OTT पे। नो आप लोगों के सीजन में भी 24/7 लाइव चलता था, बट दिस इज लाइक अ होल न्यू एपिसोड सीन। ओ, पर एक्चुअली हमारे वक्त जब 24 आवर्स, बट रियली यस, हमारे वक्त सलमान सर जब जाते थे, मतलब जब वो शुरू हुआ था तब आना शुरू हुआ था, इस बार सलमान सर के पहले जो शुरू हुआ है आई थिंक वहीं पे शुरू हो गया है, बट अच्छा लग रहा है। एंड मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो अंदर गए हुए हैं, सो ऑल द बेस्ट। अंदर जाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बंदर के आई क्या होगा वो, भगवान बचाए उन लोगों को। सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप जब बाहर आए तब यू नो दे आर सेन एंड दे कम आउट आउटसाइड।